नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज मुकाबले जो हो रहे हैं वो है भारत और कोरिया के बीच में। ये ब्रॉन्ज मेडल मैच तीसरे और चौथे पोजीशन के लिए। दोनों ही टीमें प्रैक्टिस करती हुई आपके समक्ष। यहाँ पर थोड़ी ही देर में ये मुकाबला शुरू होगा। क्या लगता है आपको, इंडिया जीत पाएगा आज या नहीं? अगर आप देख रहे हैं YouTube पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आप देख रहे हैं Facebook पर तो पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। थोड़ी ही देर में, अब से 5 मिनट के करीब, ये मुकाबला शुरू होगा। तो क्या आज भारत जीत पाएगा या नहीं, ये देखना होगा। अगर यहां पर भारत जीत जाता है तो तीसरा प्लेस होगा भारत का। थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए मैच होता हो। अभी दोनों ही टीमें प्रैक्टिस करती हुई आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। भारतीय टीम जो कि काफी अच्छे प्रदर्शन करके यहां तक पहुंची है, तो आज देखना होगा क्या कर पाती है यहाँ। सभी खिलाड़ी वापस जाते हुए यहाँ पर विसल होती हुई और अब बुलाया जाएगा दोनों ही टीमों को। जी हाँ, दोनों ही टीमें यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर प्रैक्टिस करती हुई। आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें अगर आप देख रहे हैं YouTube पर, और अगर आप देख रहे हैं Facebook पर तो पेज को फॉलो करें। और अब से थोड़ी ही देर में ये मुकाबला शुरू होगा भारत और कोरिया के बीच में। तो देखना होगा कि आज भारतीय टीम क्या कमाल करती है। कल का जो प्रदर्शन था ईरान के खिलाफ वो उतना अच्छा नहीं रहा था भारत का। लगातार सीधे सेटों में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था भारतीय टीम को।
तो आज अभी देखना होगा कि क्या भारतीय टीम इस मुकाबले की तैयार है या जीत पाती है इसे या नहीं। फोकस करना होगा अपने, जो कल गलतियां की है उसे सबक लेना होगा। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या भारतीय टीम यहाँ पर जीत पाएगी आज या नहीं? दोनों ही टीमें आपके सामने यहां पर इकट्ठी होती हुई। तो ये आप देख सकते हैं कोरिया की टीम जो ब्लैक अटायर में है और येलो में है भारतीय टीम। दोनों ही टीमें तैयार। दर्शकों का अभिवादन करते हुए और अब यहाँ पर प्लेइंग सिक्स प्लेयर दोनों ही टीमों के अंदर आएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को लाइक करिए और वीडियो को सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। दोनों ही एम्पायर पहुंच चुके हैं। ये है आज के मेन एम्पायर, उनका इंट्रोडक्शन होता हुआ यहाँ पर। ये है पहले कोरिया की टीम, आप देख रहे हो प्लेइंग सिक्स प्लेयर कोर्ट पर उतरते हुए। यह है कोरिया के हेड कोच और अब बारी है भारतीय टीम की। यह है स्टैंडिंग लाइनअप कोरियन टीम की और यह है भारतीय टीम। ब्रॉन्ज मेडल मैच भारतीय को उम्मीदें बहुत ज़्यादा इस टीम से, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है इस मैच में। अगर पिछला मुकाबला सेकेंड प्लेस पर रही है टीम, और आज देखना होगा किस तरह से खेलती है ये मुकाबला।
तो यहाँ पर ये मुकाबला शुरू होता हुआ, दोनों ही टीमें आ चुकी है कोर्ट में। सभी खिलाड़ी, 12 खिलाड़ी, 6 एक टीम के, 6 दूसरी टीम के, और सर्विस पहले भारत की ओर से 19 नंबर खिलाड़ी ये सर्विस करेंगे भारत की ओर से। कबीर सर्विस, और ये पहला पॉइंट मिलता हुआ कोरिया को। यहाँ पर सेटर ने काफी अच्छा मूव दिखाया, चालाकी से पॉइंट लिया। 1-0, ये इस तरह की गलती आप नहीं कर सकते। आप सर्विस नहीं उठा पा रहे हो। भारत को सीरियसली लेना होगा इस गेम को। 2-0 का स्कोर। वेल्स में ऐश और भारत का खाता खुलता हुआ। 1-2 का स्कोर। और सर्विस भारत की ओर से अब, और ये पॉइंट मिलेगा कोरिया को। 3-1 का स्कोर। अवे सर्विस, पॉइंट मिलेगा भारत को। 2-3 का स्कोर। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत आज जीत पाएगा या नहीं? क्या सोचते हैं आप लोग, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लिख कर बता सकते हैं जो भी आपके मैसेज होंगे वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर 3-all, अच्छी वापसी। काबिलन 19 नंबर, काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए। और सर्विस एक बार फिर भारत की ओर से। सर्विस लेकिन नेट में, पॉइंट मिलेगा कोरिया को। 4-3। जियांग सोंगयांग सर्विस करते हुए, गुड सर्व, अच्छे से पिक किया और बहुत ही शानदार स्मैश, टच आउट हुआ है गेंद, कोरिया के खिलाड़ियों को टच करता हुआ गेंद बाहर। शेखर की ओर से ये शानदार स्मैश, और स्कोर पहुंच गया है 4-all। भारत की ओर से सर्विस, लेकिन अवे, लगातार 2 बार हमने ऐसा देखा है, एक सर्विस नेट में गई है और दूसरी सर्विस आर्यन की, ये सर्विस अवे हुई है। तो इस तरह से इजी पॉइंट नहीं गंवाने होंगे आपको। 5-4 एडवांटेज मिला है इस सर्विस से कोरिया को। सर्विस वेल ड्रॉप, लेकिन उतने ही खूबसूरती से उठाया यहाँ पर। स्मैश, अच्छा टेक था लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए गेंद को, और एक और पॉइंट कोरिया को मिलता हुआ। 6-4। यहाँ पर आर्यन कंट्रोल नहीं रख पाए गेंद पर। सर्विस एक बार फिर से, और ये सर्विस आउट, पॉइंट मिलता हुआ भारत को। 5-6। भारत की ओर से सर्विस, और शानदार ब्लॉक भारत का इस बार। एक और पॉइंट मिलता हुआ भारत को।
इसी तरह से खेलना होगा एनर्जी के साथ। बहुत ही शानदार ब्लॉक, सिक्स ऑल एक बार फिर से सर्वित भारत की ओर से। बहुत ही अच्छी सर्विस और उतनी अच्छी तरह से पिक किया इसे, बहुत ही बेहतरीन स्मैश इस बार कोरिया की ओर से, 7-6। यहां पर हमें ब्लॉक करने वाला कोई नहीं दिखा। ये आप देखिए थोड़ी सी चूक, बीच में जो गैप था दोनों ब्लॉक ब्लॉक करके बीच में वहां से गेंद निकल गई। 7-6 का स्कोर, शॉर्ट गेंद और ये पॉइंट मिलता हुआ इस समय कोरिया को, 8-6। सर्विस कोरिया की ओर से। बहुत ही अच्छी सर्विस यहाँ पर सप्लाई देने में नाकामयाब, भारतीय टीम कंट्रोल नहीं रख पाए अपने गेंद पर और कोर्ट क्रॉस किया गेंद ने और ये पॉइंट जाता हुआ कोरिया को, 9-6। सर्विस एक बार फिर से कोरिया की ओर से। बहुत ही शानदार सर्विस, बहुत ही शानदार स्मैश भारत की ओर से इसमें, 7-9। अच्छा कमबैक भारत का, हालांकि गेंद काफी वाइड थी लेकिन उतना ही जबरदस्त प्रहार। सर्विस भारत की ओर से, अच्छी सर्विस, एक मौका है यहां पर भारत के, भारत को पॉइंट लेने का। पीछे बैकअप के लिए कोई नहीं है, पॉइंट जाएगा कोरिया को, 10-7। ये आप देखिए पीछे बैकअप के लिए कोई नहीं था। एक बार फिर से सर्विस होगी कोरिया की ओर से, 10-7 का स्कोर। टाइम आउट, पहला टाइम आउट लिया भारत ने। भारतीय टीम को खुल के खेलना होगा। तो आप लोग क्या सोचते हो यहाँ पर कौन सी टीम आज जीतने वाली है? क्या भारतीय टीम आज यहाँ पर जीत का डंका बजा सकती है या नहीं? बारह आठ का स्कोर है इस समय, भारतीय टीम को वापसी करनी होगी। अच्छी सर्विस, शॉर्ट गेंद और बेहतरीन स्मैश, बहुत ही शानदार स्मैश, नेचुरली इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। 9-12 का स्कोर, बहुत ही शानदार,
एक और मौका है भारत के पास, शानदार स्मैश, लेकिन अबे टच आउट करके बाहर गई। एक और पॉइंट मिलता हुआ भारत को, 10-12 का स्कोर। कोच ने जो कहा था कि आप नेचुरल गेम खेलिए, वही यहाँ पर हमें देखने को मिलता हुआ। नेचुरल गेम खेलनी होगी। बहुत अच्छी सर्विस, बहुत ही शानदार ब्लॉक भारत की ओर से, 11-12 का स्कोर। यहाँ पर और भारत की ओर से सर्विस होती हुई। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ। तो आप लोग कौन सी टीम के साथ हो, कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें। बॉल अवे, पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर कोरिया को, 11-15 का स्कोर। और सर्विस नेट में एक पॉइंट मिलेगा भारत को, 12-15। सर्विस भारत की ओर से, शानदार स्मैश इस बार कोरिया की ओर से, पूरी तरह से बीट किया ब्लॉकर्स को। सोलह बारह, 4 अंकों से अभी भी कोरिया आगे। बहुत ही जबरदस्त स्मैश और उठाने में नाकामयाब, ये पॉइंट मिलता हुआ भारत को, जबरदस्त स्मैश आर्यन के द्वारा। एक बार फिर भारत की ओर से सर्विस, और ये पॉइंट मिलता हुआ कोरिया को, 17-13। जो लीड है वो अभी भी 4 पॉइंट की लीड है, यहाँ पर चेकआउट हुआ था। स्मैश, बेहतरीन स्मैश, एक और पॉइंट भारत को, 14-17। जल्दी ही पढ़ लिया था गेंद को कि नेट के पास आने वाला है, और वैसे ही स्मैश किया इसे। अच्छी सर्विस, स्मैश, लेकिन अबे एक और पॉइंट भारत को, 15-17। अच्छी सर्विस और बॉल अंदर ही है, और एक पॉइंट मिलेगा भारत को, 16-17।
भारतीय टीम को इसका फायदा उठाना चाहिए। थोड़ा तालमेल की कमी दिख रही है अभी कोरिया की टीम में। यहाँ पर कोरिया ने लिया है टाइम आउट। नेचुरली ये लग ही रहा था कि अब कोरिया टाइम आउट लेगा, क्योंकि पिछले 2-3 मैच पॉइंट भारत के फेवर में आए हैं, तो टाइम आउट तो बनता है। आप सबसे रिक्वेस्ट के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पर तो पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। सर्विस भारत की ओर से यह भारतीय कोच, अच्छी सर्विस, बहुत ही शानदार स्मैश इस समय कोरिया की ओर से। एक और पॉइंट मिलता हुआ कोरिया को। सो 18-17, अच्छी सर्विस भारत की ओर से। शॉर्ट गेंद और जबरदस्त ब्लॉक भारत का। एक और पॉइंट भारत को मिलता हुआ। यहां पर 18-18 की बराबरी पर दोनों ही टीमें। दोनों ही टीमें 18-18 की बराबरी पर। जबरदस्त मैच इस समय कोरिया की ओर से। निश्चय ही ये पॉइंट मिलेगा। 19-18 का स्कोर। सर्विस होनी है कोरिया की ओर से। सर्विस, जबरदस्त मैच इस समय भारत की ओर से, और ये पॉइंट मिलेगा भारत को। 19-19 का स्कोर। और पहली बार भारत इस पारी में लीड में जाता हुआ। 20-19। भारत की ओर से सर्विस, शानदार खेलती हुई भारतीय टीम। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि 4 पॉइंट पिछड़ रही है 4 पॉइंट से, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की भारतीय टीम ने। परफेक्ट ब्लॉक, शानदार ब्लॉक। यही होता है जब आप अपनी नेचुरल गेम खेलते हो तो विरोधी टीम वे थोड़ी प्रेशर में आती है, और इसका ये रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। एक और पॉइंट मिलता हुआ भारत को। 2 पॉइंट की लीड से भारत आगे बढ़ता हुआ। यहाँ पर एक बार फिर से टाइम आउट लिया है कोरिया के कोच ने। काफी अच्छा मैच चलता हुआ। आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप देख रहे हैं YouTube पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर देख रहे हैं Facebook पर तो पेज को फॉलो करें
और वीडियो को लाइक करें। हो सकता है आपके लाइक करने की दौलत यहाँ पर भारत जीत जाए। जो के पाठ, वंडरफुल ब्लॉक बाय इंडिया, बहुत ही शानदार। 22-19 तीन पॉइंट से लीड करती हुई भारतीय टीम। ये आप रिप्ले देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। एक बार फिर भारत की ओर से सर्विस होती हुई। इजी सर्विस, तीसरा ब्लॉक लगातार भारत की ओर से, तीन बेहतरीन ब्लॉक किए भारत ने। 23-19 चार पॉइंट से अब भारत आगे हो चुका है। शानदार, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस भारत की। पर यहां पर पॉइंट मिलता हुआ कोरिया को 20-23, और भारत को लेने हैं दो पॉइंट और ये मुकाबला जीतने के लिए। यहां पर थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन मिसिंग लगा भारत का। सर्विस ड्रॉप डालने की कोशिश, लेकिन और एक बार बेहतरीन ब्लॉक, सेट पॉइंट 20। तो पहला सेट यहां पर भारत अपने नाम करता हुआ। शानदार, तारीफ करनी होगी भारतीय टीम की, बहुत ही अच्छा खेल यहां पर दिखाती हुई भारतीय टीम। सेट पॉइंट 20, वाइड गेंद, और यहां पर काफी फुर्ती से यहां पर दिखाया, और ये गेंद अबे, भारत पहला सेट जीतता हुआ। तो पहला सेट यहां पर भारत ने जीत लिया है, आपको बता दें। सो फर्स्ट सेट वॉन बाय इंडिया, पहला सेट भारत के नाम। तो चलिए इसका विश्लेषण करते हैं, कितने टाइम में हुआ है ये। 23 मिनट लगे हैं इसको, 25-20, सो 5 पॉइंट का मार्जिन है, काफी अच्छा मार्जिन। ये आप देख सकते हैं, ये अवे गेंद, बहुत ही अच्छा खेल दिखाती हुई भारतीय टीम। पहला सेट काफी अच्छा रहा है भारत के लिए, पहले लग रहा था कि 4 पॉइंट से पिछड़ रही है, लेकिन उसके बाद जिस तरह का कमबैक देखने को मिला है वो बहुत ही जबरदस्त, काबिले तारीफ। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कोरिया की ओर से काफी गलतियां हुई है, तो एक एडवांटेज रहेगा भारत के पास अब पहला सेट जीतने के बाद। और जो थोड़ा सा प्रेशर होगा वो होगा कोरिया के ऊपर। आपको बता दें हमारे चैनल का नाम स्पोर्ट्स प्लस है, यूट्यूब पर भी सेम नाम है और फेसबुक पेज का भी सेम नाम है, स्पोर्ट्स प्लस। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आपको सही लगे आप वहां पर ट्यून कर सकते हैं। दूसरे सेट की तैयारी में चार्जिंग, फोन चार्जिंग,
तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है आज? हेयर विच टीम इज गोइंग टू विन, प्लीज लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सो बोथ द टीम हैव गैदर्ड अगेन, बोथ द टीम आर ऑन द कोर्ट नाउ। सो हेयर इज द सेकेंड सेट, दूसरा सेट यहाँ पर चलता हुआ, सर्विस होनी है कोरिया की ओर से दूसरे सेट की। जबरदस्त स्मैश, टच आउट जाता हुआ, फिर से यहां पर सर्विस भारत की ओर से, गेंद को पार करना होगा, इजीली पार किया, जबरदस्त स्मैश, देखना होगा कि अवे है जी नहीं, अंदर, और कोरिया का भी खाता खुलता हुआ 1-1। सर्विस यहां पर कोरिया की ओर से, अब जबरदस्त मैच, एक और पॉइंट मिलता हुआ भारत को 2-1। यहां पर आज ऐसा लग रहा है जो भी चीज भारत कर रहा है सब उसका साथ दे रही है। अच्छी सर्विस, दो दो का स्कोर, जबरदस्त मैच, एक बार फिर से पॉइंट मिलता हुआ भारत को 3-2 का स्कोर। बॉल फेस पे लगी है शायद, यस बॉल फेस पे लगी है, तीन दो का स्कोर। भारत की ओर से सर्विस होती हुई एक बार फिर, और थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हुई, मैं भी शायद यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। नहीं तो वही खिलाड़ी खेलेंगे। यहाँ पर 3-2 का स्कोर भारत की ओर से, सर्विस नंबर एक खिलाड़ी, इजी सर्विस, शानदार स्मैश, 3-3 की बराबरी पर, दोनों ही टीमें साथ साथ चलती हुई यहां पर, नेक टू नेक फाइट हमें देखने को मिलता हुआ। पहला सेट भारत ने जीता है, दूसरे सेट की शुरुआत हुई यहां पर, भारत और कोरिया 3-3 की बराबरी पर है इस समय। शानदार सर्विस कोरिया की ओर से,
और शॉर्ट बॉल और जबरदस्त मैच भारत का। एक और पॉइंट मिलता हुआ भारत को 4-3। जबरदस्त मैच। चकमा देने में कामयाब हुए ऑपोजिशन को। अच्छी सर्विस यहां पर। गुड स्मैश और इतनी शानदार तरीके से यहाँ पर यह गेंद को, इजी गेंद आई है भारत के पास। यहाँ पर देखना होगा क्या जबरदस्त स्मैश। और एक पॉइंट भारत को, 2 पॉइंट की बढ़त के साथ भारत आगे, 5-3 का स्कोर। तो ये पॉइंट मिलेगा कोरिया को, 4-5 का स्कोर। सर्विस कोरिया की ओर से। शॉर्ट्स बॉल और जबरदस्त प्रहार। 5-5 से बराबरी पर दोनों ही टीमें, 5-5। सर्विस कोरिया की ओर से। अच्छी सर्विस यहां पर। और ये पॉइंट मिलता हुआ है पर कोरिया को। ऐसा लगा कि शायद बॉल नेट में है। जी हाँ, बॉल नेट में है, इसी वजह से ये पॉइंट मिलता हुआ, 6-5। जबरदस्त स्मैश, बहुत ही शानदार स्मैश। आज भारतीय टीम काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जिस तरह की उम्मीद भारतीय फैंस को, उस तरह के प्रदर्शन करती हुई भारतीय टीम। और ये गेंद अवे है और पॉइंट मिलेगा भारत को, 7-6 का स्कोर। ये टच आउट नहीं था, पूरी गेंद बाहर। तो आपको बता दें, जो अभी देरी से ज्वाइन किए हैं, ये दूसरा सेट चलता हुआ, पहला सेट भारत ने जीता है और दूसरा सेट यहां पर चलता हुआ, जिसमें दोनों ही टीमें बराबरी पर है अभी, 7-7 का स्कोर। और भारत के पास एक एडवांटेज है, एक मैच जीता है भारत ने, पहला सेट जीता है। सर्विस होती हुई कोरिया की ओर से। अब अच्छी सर्विस, ओ गुड स्मैश। यहां पर एक मौका है भारत के पास, यहाँ पर अच्छा स्मैश, लेकिन अबे पॉइंट मिलेगा भारत को, 8-7 का स्कोर। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भारत की ओर से होता हुआ। जो आप अभी अभी जुड़े हैं, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पर, तो पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। भारत की ओर से सर्विस, लेकिन सर्विस नेट में, 8-8। स्कोर यहां पर 8-8। कोरिया की ओर से सर्विस,
जबरदस्त स्मैश और उतना ही जबरदस्त ब्लॉक कोरिया की ओर से। जबरदस्त, बहुत ही चालाकी से ये पॉइंट लिया। पहले ही भाप गए थे कि खिलाड़ी आगे है, पीछे बैकअप में कोई नहीं है, और इजीली तरह से ड्रॉप डाला और वहां पर कोई नहीं। पॉइंट मिलेगा भारत को 9-8, चालाकी से लिया हुआ पॉइंट। अच्छी सर्विस यहां पर। यहां पर आपको बता दे, थोड़ा सा टेक्निकल हमारे पास आज हमारा इंटरनेट स्लो होने की वजह से कभी कभी यहां पर डिले हो रहा है, तो उसके लिए माफी चाहते हैं आपसे। टेन नाइन नाइन टेन, अच्छा पॉइंट लिया है यहाँ पर कोरिया ने। अभी टच आउट गेंद हुई है कोरिया की ओर से। सर्विस ब्लॉक भारत की ओर से। एक बार फिर मौका है कोरिया के पास स्मैश करने का। बॉल अवे, लेकिन टच आउट यहां पर दिया है और पॉइंट मिलेगा कोरिया को 10-10। टेन ऑल का स्कोर। सर्विस कोरिया की ओर से, अच्छी सर्विस। जबरदस्त स्मैश यहां पर कोरिया पहली बार बढ़त लेता हुआ इस सेट में। 11-10 का स्कोर। आप सभी जहां पर भी आप कंफर्टेबल है, हमारे चैनल का नाम सेम है फेसबुक और यूट्यूब पे स्पोर्ट्स प्लस। आपसे रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहां पर एक और पॉइंट मिलता हुआ कोरिया, जी नहीं जी नहीं, यहां पर ये पॉइंट मिलेगा भारत को। बॉल अवे है और 11-11। शॉर्ट बॉल और समझ नहीं पाए भारतीय ब्लॉकर। पॉइंट मिलेगा कोरिया को 12-11। जबरदस्त स्मैश भारत की ओर से। 12-12। आर्यन ने बहुत ही जबरदस्त स्मैश यहां पर देखने को मिला। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा आज हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी यहां पर ये पॉज हो रहा है, तो इसके लिए आपसे माफी।
13 ऑल भारत की ओर से स्मैश, जबरदस्त स्मैश, एक और पॉइंट मिलता हुआ भारत को 14-13 का स्कोर। फोर्टीन ऑल, ये स्मैश और टच आउट जाती हुई गेंद, पॉइंट मिलेगा भारत को। तो अब यहां पर स्कोर हो चुका है 15-14, भारतीय टीम एक अंक से आगे। सर्विस भारत की ओर से, अच्छा ब्लॉक इस समय कोरिया की ओर से। 15 ऑल, 15 ऑल, सर्विस और नेट में पॉइंट मिलेगा भारत को। 16-15 का स्कोर। अच्छी सर्विस भारत की और अच्छा ब्लॉक यहां पर, ये पॉइंट मिलता हुआ कोरिया को। भारत ने ऑब्जेक्शन जरूर किया था कि यहां पर, लेकिन नहीं, एम्पायर का मानने का इनकार और ये पॉइंट जाता हुआ कोरिया को। 16 ऑल और एक पॉइंट मिलेगा भारत को। 17-16, शानदार ड्रॉप। बहुत ही अच्छा स्मैश कोरिया की ओर से, चकमा देने में कामयाब। 17 ऑल, यहां से भारत को वापसी करनी होगी क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है मैच का। यहां से जो टीम लीड लेके जाएगी वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा। जी हाँ, जबरदस्त मैच भारत की ओर से इस समय, 20 नंबर के खिलाड़ी, जबरदस्त मैच आर्यन का। 18-17, पर कोरिया के दर्शक लुप्त उठा रहे हैं और एक बार फिर से जबरदस्त ब्लॉक भारत की ओर से। 19-17, टाइम आउट किया है यहां पर चाइना ने, सॉरी कोरिया ने। दोनों ही टीमें वापस पहुंचती हुई, भारत की ओर से सर्विस,
बहुत ही अच्छा ब्लॉक एक बार फिर से, जिस तरह पिछले सेट में हमें देखने को मिले, चार ब्लॉक लगातार किए थे भारतीय खिलाड़ियों ने, सेम उसी तरह का इसमें यहां पर देखने को मिल रहा है। ये दूसरा ब्लॉक था लगातार, 20-17 का स्कोर। स्मैश और ये आउट, एक और पॉइंट भारत को, 21-17 का स्कोर। 4 पॉइंट से लीड कर रही है भारतीय टीम अब। जिस तरह से ये मैच आगे बढ़ रहा है, उस तरह से भारत का प्रदर्शन निखरता हुआ। फिर एक बार एक टाइम आउट लिया है कोरिया ने, तो ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है भारत के लिए, जिस तरह से विरोधी टीम टाइम आउट लेती है, स्ट्रेटेजी चेंज करती है। तो आप जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर और अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पर, तो पेज को फॉलो करें और वीडियोस को लाइक करें। दोनों ही टीमें वापस ग्राउंड में। स्मैश और इस बार चूक गए ब्लॉक करने में भारतीय खिलाड़ी, पॉइंट मिलेगा कोरिया को। 18-21 का स्कोर। जबरदस्त स्मैश एक बार फिर से यहां पर, लेकिन आउट दिया गया है यहां पर। जबरदस्त स्मैश था आर्यन की ओर से। 19-21, जबरदस्त स्मैश एक बार फिर से, पॉइंट मिलेगा भारत को। 22-19 कुश, जबरदस्त स्मैश सर्विस करते हुए कुश। जबरदस्त ब्लॉक भारत की ओर से। 23-19 का स्कोर। मात्र 2 पॉइंट बचे हैं भारत के पास ये दूसरा सेट जीतने के। 2 पॉइंट और लेने होंगे भारत को, तो दूसरा सेट भी भारत अपने नाम कर सकता है। जबरदस्त ब्लॉक भारत की ओर से। मैच ये रहा सेट पॉइंट, सेट पॉइंट 19। ये देखिए जबरदस्त ब्लॉक। सर्विस, जबरदस्त स्मैश कोरिया की ओर से। इस बार पॉइंट मिलेगा कोरिया को। 20-24 का स्कोर। मात्र एक और पॉइंट लेना है भारत को ये सेट जीतने के लिए, उसके बाद तीसरा सेट शुरू होगा। 3 सेट और बचे होंगे इसके बाद। भारत को एक जीतना है, और अगर कोरिया को जीतने तो तीनों सेट जीतने होंगे। अगर ये मुकाबला जीतना है कोरिया को, तो इतना आसान नहीं होगा तीनों के 3 सेट जीतना। यहां पर एक और पॉइंट मिलता हुआ कोरिया को। ट्वेंटी 24, गुड सर्व, नाइसली टेकन बाय इंडियन प्लेयर। सो
इंडिया हैव वॉन द सेकेंड सेट ऑल्सो 21-25, सो दिस इज द सेकेंड सेट. नाउ इंडिया इज लीडिंग 2-0 आफ्टर कंप्लीटिंग टू सेट. बोथ द सेट हैव बीन बाय इंडिया. भारत ने दोनों ही सेट जीते हैं और अब तीन सेट और बचे हैं इस मैच के. अगर भारत अगला सेट जीत जाता है तो फिर तीसरा इसके बाद के सेट नहीं होंगे. अगर आगे के दो सेट कोरिया जीतता है तो फिर पांचवा सेट खेला जाएगा, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं अभी. लेकिन खेल अनिश्चितताओं का खेल, इसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है खेल में. और आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पर तो पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें. सो दो सेट की समाप्ति के बाद भारत 2-0 से आगे चलता हुआ. बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर भारतीय टीम का. कल की गलतियों से सबक लेकर जिस तरह से आज ये टीम खेली है, बहुत ही जबरदस्त. ये आप देखिए लेखा जोखा है आज के मैच का, सेट टू में देखिए. लेकिन अगर आप एक चीज देखेंगे, ओपोनेंट एरर, तो ज्यादा एरर की है भारत ने. और कोरिया ने 17 अटैक किए, भारत ने 14. और ब्लॉक यहां पर देखिए, कोरिया ने सिर्फ एक ब्लॉक किया, भारत ने 5. सो दो सेट की समाप्ति के बाद यहां पर 2-0. अब कोच यहां पर आगे की रणनीति बनाते हुए, देखना होगा कि विच स्ट्रेटेजी दे आर गोइंग टू मेक फॉर द नेक्स्ट सेट. सो हियर वी गो. यहां पर तीसरा सेट शुरू होने वाला है. बोथ द टीम आर इनसाइड नाउ. और भारत की ओर से शुरुआत होगी. जी हाँ, तीसरे सेट की शुरुआत भारत की ओर से सर्विस. स्मैश और ब्यूटीफुली टेकन बाय कोरिया. स्मैश और अच्छी तरह से लिया भारत ने. यहां पर देखना होगा कि इजी गेंद है कोरिया के पास. शॉर्ट गेंद और जबरदस्त ब्लॉक भारत की ओर से. पॉइंट मिलेगा भारत को, तो भारत का खाता खुला इसी पॉइंट के साथ. तो यहां पर कोरिया को थोड़ी सी परेशानी होती हुई, क्योंकि भारत का ब्लॉक आज बहुत ही शानदार देखने को मिला है.
दो एक कोरिया दो भारत एक। एक और पॉइंट भारत को मिलता हुआ दो दो टू ऑल। जबरदस्त स्मैश लेकिन आउट यहां पर, और पॉइंट मिलता हुआ कोरिया को 3-2। यहां पर भारत को थोड़ा संभल कर खेलना होगा। तीसरा सेट चलता हुआ, जो लोग अभी जुड़े हैं आपको बता दें तीसरा सेट चल रहा है यहां पर। दो सेट भारत ने जीत लिए हैं और तीसरा सेट ये चलता हुआ। भारतीय टीम काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई, ये पॉइंट गया भारत की टीम को। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो देख रहे हैं फेसबुक पर वो पेज को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। सर्विस भारत की ओर से एक बार फिर। अच्छी सर्विस, इस बार ब्लॉक करने की कोशिश, टच आउट गया, पॉइंट मिलेगा कोरिया को, 4-3 का स्कोर। जबरदस्त ब्लॉक भारत की ओर से। तो ये एक आज जबरदस्त कमाल देखने को मिला है भारत की। अभी अगर हम बात करें तो 10 या 12 पॉइंट भारत ने लिए है ब्लॉक की बदौलत, बहुत ही शानदार ब्लॉकिंग। आर्यन गए हैं सर्विस के लिए। अब ये टच आउट, पॉइंट मिलेगा कोरिया को, 5-4। एक बार फिर कोरिया की ओर से सर्विस होती हुई। और ये आउट, टच आउट, पॉइंट भारत को, 5-5 का स्कोर। अच्छी सूझबूझ वाली पारी यहां पर भारत खेलते हुए, पहले ही देख लिया था कि ये ब्लॉक करेंगे और इजी गेंद को हिट किया और गेंद गई बाहर, 5-5। अच्छी सर्विस और उतना ही अच्छा स्मैश कोरिया की ओर से, 6-5। स्मैश और टच आउट, पॉइंट मिलेगा भारत को। यहां पर भारत की ओर से चूक और पॉइंट जाता हुआ।
ये आउट गेंद था, लास्ट मोमेंट पे अपना हाथ डाला इसमें और पॉइंट दे बैठे। जबरदस्त स्मैश, एक और पॉइंट आर्यन के द्वारा, जबरदस्त स्मैश, एक और पॉइंट भारत को। यहाँ पर बहुत ही चालाकी से पॉइंट लिया कोरिया ने। शॉर्ट बॉल और प्रहार किया इस पे, पॉइंट भारत को, 7-8-7, 1 पॉइंट से आगे चलता हुआ भारत। पॉइंट मिलेगा कोरिया को, 8-8 का स्कोर। तो यहां पर देखना होगा कितनी जल्दी भारतीय टीम ये मुकाबला जीतती है। आप जो अभी अभी जुड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। छह पॉइंट यहां पर भारत के लिए। तो मैं जो आपसे कह रहा था कि आज हमारे यहां पर इंटरनेट की प्रॉब्लम थोड़ी सी, इस वजह से आपको थोड़ा सा कॉपरेट करना होगा हमारे साथ। नाइन ऑल यहां पर जबरदस्त सर्विस, बहुत ही शानदार सर्विस देखने को मिली इस मुकाबले में अभी तक की। सुपर सर्विस और थोड़ा सा जज करने में कामयाब नहीं हुए भारतीय खिलाड़ी, लगा कि आउट है। जबरदस्त स्मैश भारत की ओर से इस बार, 10-10 का स्कोर, 10 ऑल। आर्यन सर्विस के लिए तैयार, अच्छी सर्विस लेकिन नेट में। और जबरदस्त प्रहार इस बार, कोशिश अच्छी की थी यहां पर कोरिया ने, बट वापस नहीं ला पाए गेंद को। 11 ऑल, दोनों ही टीमें 11-11 पर। बॉल अवे, पॉइंट बार भारत को, 12-11 का स्कोर। शॉर्ट बॉल और इन, कोरिया को पॉइंट मिलता हुआ। दोनों ही टीमें 12-12 पर, 12 ऑल का स्कोर। आपको बता दें कि दो सेट भारत ने जीत चुके हैं, ये तीसरा सेट चलता हुआ। यहां पर दोनों ही टीमें अभी तक बराबरी पर हैं।
स्मैश भारत की ओर से, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट मिलेगा भारत को, 13-12 का स्कोर। तो हमने पिछले दोनों जो सेट है उसमें यही देखा है कि 16 या 17 तक बराबरी पर रहता है मैच और उसके बाद भारत बढ़त बनाता है। तो यहाँ देखना होगा कि इस सेट में क्या होता है। अवे सर्विस 13 ऑल, यहां पर भारत के पास एडवांटेज है क्योंकि दोनों सेट भारत ने जीते हैं। इन गेंद है, इन पॉइंट मिलेगा भारत को, 14-13 का स्कोर। सर्विस पॉइंट मिलेगा कोरिया को, 14-14 का स्कोर, 14 ऑल। जरूरत नहीं थी यहां पर स्मैश करने की, आप अगर इजीली बॉल को आने देते तो आपके पास स्मैशर है आर्यन जैसे। ये बहुत ही शानदार समझ बूझ, यहां पर आर्यन ने जबरदस्त तरीके से स्मैश किया, देखा वहां पर कॉर्नर में कोई नहीं और गेंद उसी तरफ मोड़ा। पॉइंट मिलेगा भारत को, 15-14 का स्कोर। और पॉइंट चाहेगा ये कोरिया को, 15-15। व्हाट ए फाइट, जबरदस्त मैच होता हुआ, दोनों ही टीमें जबरदस्त परफॉर्म करती हुई। तीसरा सेट बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है, दोनों ही टीमें बराबरी पर है अभी, 15-15 पर। भारत 2-0 की लीड लेकर आगे चलता हुआ इस मैच में अभी तक। स्मैश और इन पॉइंट मिलेगा भारत को, 16-15। आपसे रिक्वेस्ट है जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पर, तो पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। अच्छा स्मैश इस समय कोरिया की ओर से और सर्विस होनी है कोरिया की ओर से, 16 ऑल का स्कोर। जबरदस्त स्मैश और इतनी हाई जबरदस्त डिफेंस देखने को मिला और ब्लॉक किया लेकिन टच आउट गया। पॉइंट मिलेगा कोरिया को, 17-16। टाइम आउट लिया है यहां पर भारत ने, तो निश्चय यहां पर कोच आ रही होगी कि ऑल आउट की तरफ जाया जाए, इस सेट को आगे ना ले जाकर यहीं खत्म किया जाए। क्योंकि जैसे ही ये सेट आगे जाएगा तो थोड़ा सा प्रेशर बनता आएगा भारत पर। तो कोच कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। सो दोनों ही टीमें वापस जाती हुई कोर्ट में।
अवे सर्विस पॉइंट मिलता हुआ भारत को 17-18 का स्कोर। आर्यन यहाँ पर सर्विस करते हुए आदित्य को आप देख रहे हैं नंबर 5 पर, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया है। नंबर 5 की यूनिफॉर्म में आदित्य को अंदर लाया गया है। स्मैश, यहाँ पर देखना होगा कि क्या कोरियन टीम गेंद को ला पाती है या नहीं। जी हाँ बिल्कुल, सुरक्षित वापस गेंद, और ये जबरदस्त स्मैश। इस बार देखा कि लास्ट पे कोई नहीं है कॉर्नर पे, और वहां पर प्रहार किया। फिर से ये पॉइंट भारत को, 18-19 का स्कोर। तो यहाँ पर भारत को बढ़त लेनी होगी। सर्विस भारत की, अच्छी सर्विस, स्मैश, शानदार स्मैश इस समय कोरिया की ओर से। 20-18 का स्कोर। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया है, ये स्पेशलिस्ट है सर्विस के, इसलिए इन्हें बुलाया गया है। देखना होगा कि क्या कमाल करते हैं। स्मैश, और उतनी ही अच्छी तरीके से डिफेंड किया। इन है गेंद, पॉइंट मिलेगा यहां पर कोरिया को। तो यहां पर भारतीय टीम कुछ गलतियां करती हुई 21-18 3 पॉइंट से आगे निकल चुका है कोरिया। यहाँ पर ऑल आउट खेलना होगा भारत को, और इसीलिए यहाँ पर लिया गया है टाइम आउट। तो भारतीय कोच कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते, इसीलिए चाहते हैं कि ऑल आउट खेला जाए इसी सेट में, अगर हो सके तो इसी सेट में जीता जाए। देखना होगा कोच की रणनीति काम लाती है या नहीं। कोच सिर्फ बाहर से बता सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं, लेकिन अंदर जो एग्जीक्यूशन है वो तो खिलाड़ियों के द्वारा ही होगा। दोनों ही टीमें वापस, सर्विस होनी है अब कोरिया की ओर से। स्मैश, और उतना ही अच्छा ब्लॉक। परफेक्ट स्मैश यहां पर कोरिया की ओर से, पॉइंट मिलेगा कोरिया को। 22-18 का स्कोर। यहां पर भारत को वापसी करनी होगी। पहले सेट में हमने देखा था कि भारतीय टीम जैसे ही 17 पर स्कोर था, 17 से लीड ली भारतीय टीम ने पहले दोनों सेट में, और इस सेट में हमें ऑपोजिट देखने को मिला। भारतीय टीम 18 पर है और कोरियन टीम पहुंच गई है 22 पर। भारत को 3-4 पॉइंट लगातार लेने होंगे। जबरदस्त स्मैश, और जबरदस्त पॉइंट भारत को, 19-22। देखना होगा कि क्या ये वही खिलाड़ी है या दूसरे खिलाड़ी है, पहले भी चोट लगी थी इन्हें। उन्नीस बाईस,
जबरदस्त महेश, पॉइंट मिलता है भारत को 20-22 का स्कोर। अच्छी वापसी भारत के द्वारा। आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, अगर देख रहे हैं फेसबुक पर, तो पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। एक बार फिर से यहां पर टाइम आउट लिया है कोरिया ने। दो लगातार पॉइंट गए हैं कोरिया के, इस वजह से यहां पर टाइम आउट लिया है कोच ने। कोरिया हर हालत में यही चाहेगा कि यहां पर ये मैच वो जीते, और जीतना बहुत जरूरी है अगर उसे इस मुकाबले में रहना है। अगर यहां पर भारत जीतता है तो मैच यहीं समाप्त हो जाएगा, और भारत यही चाहता है कि मैच यहीं पर समाप्त हो, आगे ना खेलना पड़े। अवे, बॉल अवे और पॉइंट मिलेगा भारत को। अच्छी वापसी भारत के द्वारा 21-22। मात्र अब एक पॉइंट से आगे है कोरिया। तीन पॉइंट लगातार लिए भारत ने। शॉर्ट बॉल और ब्रिलियंट ब्लॉक भारत की ओर से, 22 ऑल, 22 ऑल। जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है यहां पर। एक बार फिर से कोरिया ने लिया है टाइम आउट। ओके ट्रेवलर, यू थैंक यू सर फॉर स्ट्रीम अगेन ट्रेवलर। ओके थैंक यू, ओके ओके मैन, थैंक यू बॉस। या इंडिया मस्ट टेक दिस सेट, या करेक्ट। और इट्स ए नाइस मैच एंड टिल नाउ बोथ द टीम आर प्लेइंग वेरी वेल इन दिस सेट। इवन बिकॉज द फर्स्ट टू सेट वॉज ऑल्सो वेरी टाइट एंड ब्रिलियंट स्मैश बाय कोरिया एंड पॉइंट गोज टू कोरिया। 23-22। सर्विस फ्रॉम कोरियन साइड। व्हाट ए स्मैश फ्रॉम इंडियन साइड, सुपर स्मैश। एक्सीलेंट स्मैश, नो चांस फॉर द ब्लॉकर। सो पॉइंट गोज टू कोरिया नाउ। दिस इज ए सेट पॉइंट फॉर कोरिया। ओके नरेश कुमार, नरेश कुमार, टीम इंडिया कीप इट अप, कीप इट अप, डेफिनेटली श्योर। 24-24, वेल डन टीम इंडिया। नाउ 24 ऑल, लाइक यस्टरडे वी सॉ वन मैच बिटवीन जापान एंड चाइना, दैट वेंट अप टू माइट बी 39 39 पॉइंट्स। पॉइंट गोज टू कोरिया, नाउ इट इज ए सेट पॉइंट फॉर कोरिया। सो हेयर इज द थिंग, लिटल बिट प्रॉब्लम इन द इंटरनेट। सो
सो आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो अबाउट दिस प्रॉब्लम। सो इट इज इन पॉइंट गोज टू कोरिया। नाउ मैच सेट पॉइंट फॉर कोरिया 26-25। ओके अटक गया, आ गया सर, आ गया। थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें आज हमारे इंटरनेट में, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सो सेट पॉइंट 25। सर्विस इन द नेट, और यहां पर 26-26 का स्कोर। अगर हम बात करें कल भी चाइना और जापान के बीच जो मैच हुआ था उसमें 39 तक गया था ये। जबरदस्त स्मैश कोरिया के द्वारा और सेट पॉइंट पर अब कोरिया। कोरिया पहुंच चुका है सेट पॉइंट पे और 26 भारत। जबरदस्त मैच, तो ये सेट जीता है कोरिया ने, तो 2-1 दो सेट जीते भारत ने और तीसरा सेट जीता है यहां पर कोरिया ने। तो इस समय अगर आप देखें तो चौथा सेट होगा, अब 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा सेट अब शुरू होना है थोड़ी ही देर में। तो आपको बता दें तीसरा सेट जीता है कोरिया ने 28-26, काफी लंबा सेट था ये और 29 मिनट चली है ये रैली, ये सेट सबसे लंबा। अच्छी वापसी इसे कहेंगे कोरिया की ओर से। तो अब थोड़ी ही देर में तीसरा सेट शुरू होने वाला है, तो ये आप देख सकते हैं तीसरे सेट का स्कोर। अगर आप स्कोर देखें तो 26-28, 20 अटैक किए हैं कोरिया ने और 18 बार अटैक किया भारत ने। ब्लॉक 3 ज्यादा हुए इस समय कोरिया के और भारत के 2, सर्विस 1 और ओपोनेंट एरर 4 किए है कोरिया ने और 6 किए है भारत ने। टोटल स्कोर आप देख सकते हैं यहां पर 76-69। तो यहां पर अब चौथा सेट शुरू होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है फोर्थ सेट में क्या भारतीय टीम वापसी कर पाएगी या नहीं, कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशल सेट होने वाला है फोर्थ सेट, क्योंकि फिफ्थ सेट में
अगर ये मैच चाहता है तो वहाँ पर काफ़ी परेशानी होगी दोनों ही टीमों को। कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि ये फिफ्थ सेट में जाए, लेकिन कोरिया यहाँ पर चाहेगा ये सेट जीतना और फिफ्थ सेट में लेना इसे, और भारत चाहेगा कि यहीं पर इस मैच को समाप्त किया जाए। सो हेयर इज द फर्स्ट सर्व फ्रॉम द कोरिया साइड। अवे एंड पॉइंट गोज टू इंडिया, सो इंडिया ओपन देयर अकाउंट विद 1 पॉइंट। The Korean player are not that much happy. They are thinking might be it is touch out. जबरदस्त स्मैश और उतना ही शानदार ब्लॉक कोरिया के द्वारा, 1-all का स्कोर। जबरदस्त स्मैश भारत की ओर से, शानदार स्मैश। 2-1, भारत को यहां पर लीड बना के जाना होगा शुरू से ही। जबरदस्त ब्लॉक भारत के द्वारा और 1 पॉइंट भारत को, 3-1। सो ये पॉइंट जाएगा कोरिया को, 2-3 का स्कोर। और जो भी फ्रेंड्स, इफ यू आर सीइंग इन द फेसबुक, इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन द फेसबुक, यू कैन स्विच इन द यूट्यूब। सो चैनल नेम इज सेम, स्पोर्ट्स प्लस। परफेक्ट ब्लॉक बाय कोरिया, पॉइंट गोज टू कोरिया, 3-3। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है फेसबुक पर तो कृपया यूट्यूब पे स्विच करें, चैनल का नाम सेम है। और आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहां पर ये पॉइंट मिलता हुआ भारत को, 4-3। एक तरह से लगा कि ये पॉइंट शायद कोरिया को मिलेगा, लेकिन जजमेंट कहेंगे एम्पायर की, 4-3 का स्कोर। मौका है यहां पर भारत के पास पॉइंट स्कोर करने का। जी हां, पॉइंट स्कोर किया, 5-3 का स्कोर आर्यन के द्वारा। जबरदस्त मैच देखने को मिला हमें। ये पॉइंट मिलेगा कोरिया को, 4-5 का स्कोर। अवे और
पॉइंट मिलता हुआ भारत को 6-4। गेंद को डिफेंड करने की कोशिश लेकिन नाकामयाब रहे, कंट्रोल नहीं रख पाए बॉल पर और बॉल गिरी आउट। जबरदस्त मैच इस समय कोरिया की ओर से। नेटेलो चावाला बा फिलिपियंस, सो यू आर वॉचिंग फ्रॉम फिलिपियंस। ओके, सो 5-6, 5 कोरिया, 6 इंडिया। स्मैश एंड इट्स अवे, पॉइंट गोज टू कोरिया। नाउ 6 ऑल। जबरदस्त ब्लॉक भारत की ओर से, पॉइंट मिलेगा भारत को, 7-6 का स्कोर। नेटे लच्चे का वाला वा फिलिपियंस। जबरदस्त स्मैश, यहां पर चूक हुई है भारत से, ब्लॉक नहीं किया है। अगर आप फ्री रखोगे तो यहां पर ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, आपको ब्लॉक जरूर करना है किसी भी स्मैश को। जबरदस्त स्मैश, पॉइंट मिलेगा भारत को, 8-7। इट्स अवे और एक पॉइंट भारत को मिलता हुआ, 9-7। या भूपिंदर शर्मा, इंडिया इंडिया। यस भूपिंदर जी, भारत को यहां पर जीतना चाहिए। यहां पर कंफ्यूजन, शायद शेखर को ये लगा कि शायद ये गेंद अवे है, नहीं लेना चाहिए, वरना आराम से इसे ले सकते थे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, तो इस तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जबरदस्त स्मैश, तो यहां पर भारतीय कोच को एटलीस्ट एक टाइम आउट लेना चाहिए और खिलाड़ियों को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए। यहां पर थोड़ा दिख रहा है खिलाड़ी नर्वस हो रहे हैं। जबरदस्त मैच, उतनी ही जबरदस्त तारीफ करनी होगी कोरिया की। इजी गेंद आई है भारत के पास, यहाँ एक मौका हो सकता है पॉइंट लेने का। जी हाँ, लेकिन नहीं। जी हाँ, पॉइंट मिलता हुआ भारत को, जबरदस्त। यहां से ऐसा लगा कि भारत को पॉइंट मिला है लेकिन नहीं, और ये पॉइंट मिलेगा कोरिया को। बहुत ही लंबी रैली गई है ये, 10-9 का स्कोर। तो जैसा मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर भारतीय कोच को एक बार टाइम आउट लेना चाहिए और अपने खिलाड़ियों को समझाना होगा कि फोकस बनाए रखें।
जी हाँ, वही किया भारतीय दल ने, क्योंकि यहां से लग रहा है कि खिलाड़ी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन में कमी ही नजर आ रही थी। तो यहां पर देखना होगा कि किस तरह से बैकअप करती है भारतीय टीम। अभी भी भारत 2-1 से आगे हैं इस मैच में। चौथा सेट चलता हुआ, दोनों ही टीमें वापस। और यहाँ पर एक और पॉइंट मिलता हुआ कोरिया को, जहाँ से ऐसा लगा कि टच आउट है, लेकिन नहीं। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया है भारत ने। जबरदस्त स्मैश, इससे जरूर कॉन्फिडेंस मिलेगा भारत को। 10-11 का स्कोर। इट्स इन टच आउट और पॉइंट मिलेगा कोरिया को, 12-10 का स्कोर। ये बहुत ही क्रूशल मोमेंट है इस वक्त मैच का। यहां से ये मैच किसी भी तरफ जा सकता है, किसी भी तरफ मुड़ सकता है। लेकिन भारत के लिए एडवांटेज ये है कि भारत के फेवर में है अभी तक, क्योंकि 2-1 की लीड से आगे चलता हुआ भारत। 11-12 सर्विस भारत की ओर से एक बार फिर। जबरदस्त स्मैश, यहां पर पढ़ नहीं पाए गेंद को, और बहुत ही शानदार स्मैश देखने को मिला हमें कोरियन खिलाड़ी के। सर्विस कोरिया 13-11 का स्कोर। जबरदस्त स्मैश एक बार फिर से कोरिया की ओर से, 14-11 का स्कोर। जबरदस्त मैच, ये पॉइंट मिलेगा भारत को, 12-14 का स्कोर। इसी तरह से भारत को लेने होंगे 2-3 पॉइंट कंटिन्यूसली। अगर आपको दबाव बनाना है थोड़ा सा कोरिया पर, तो 3-4 पॉइंट आपको कंटिन्यूसली देने होंगे। और यहाँ पर भारत को चाहिए कि आर्यन के लिए गेंद रेज करें। जबरदस्त, यहां पर नेट फॉल दिया गया है भारत का, पॉइंट मिलता हुआ कोरिया को। पंद्रह बारह 3 पॉइंट से लीड करता हुआ यहां पर कोरिया। यहां पर
एक बार फिर से थोड़ी सी तालमेल की कमी दिखी भारतीय खिलाड़ियों में। अबे क्या ये टच आउट है? जी हाँ टच आउट, और पॉइंट मिलेगा यहाँ पर कोरिया को 16-12 का स्कोर। तो यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरियन टीम की शानदार वापसी होती हुई यहाँ पर, जिस तरह से खेल रही है कोरियन टीम, अच्छी वापसी होती हुई। इट्स इन टच आउट, पॉइंट मिलेगा भारत को 13-16 का स्कोर। आर्यन सर्विस करते हुए, यहाँ पर 17-13। ये भी एक लंबी रैली चलती हुई अभी तक, जबरदस्त मैच। ये टच आउट है या स्ट्रच आउट, पॉइंट मिलता हुआ भारत को यहां पर। यहां पर भारत को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जबरदस्त मैच एक बार फिर से कोरिया की ओर से, 19-14 का स्कोर। यहाँ पर 5 अंकों का डिफरेंस हो चुका है इस समय। शानदार वापसी करती हुई कोरियन टीम पर, टाइम आउट लिया गया है भारत की ओर से। पर देखना होगा कि भारतीय कोच क्या सलाह देते हैं अपनी टीम को। बीस चौदह का स्कोर, 6 अंकों से पिछड़ती हुई भारतीय टीम यहां पर वापसी करना बहुत ही जरूरी भारत के लिए।
21-14। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये सेट भी शायद हो सकता है कोरिया के नाम। पंद्रह 21, 6 अंकों से आगे चलती हुई कोरियन टीम, और ये स्मैश यहाँ पर एक बार फिर से तालमेल की कमी भारत के अंदर दिखती हुई, तो इसी चीज से पार पाना होगा भारत को। एक नया जोश सा दिख रहा है इस समय कोरिया की टीम में, और भारतीय टीम इस समय थोड़ी सी मुरझाई हुई, यहां पर ध्यान देना होगा भारतीय टीम को। जबरदस्त स्मैश एक बार फिर से कोरिया की ओर से इस बार, और पॉइंट मिलेगा कोरिया को 23-16। और यहां पर ये कहना अब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर कोरिया इस मैच को भी जीतने के कगार पर है, इस सेट को, सॉरी नॉट मैच को, इस सेट को जीतने के कगार पर। तेईस 17 सर्विस भारत की ओर से। स्मैश, और ये पॉइंट मिलेगा कोरिया को, सेट पॉइंट, सेट पॉइंट 17। यहां पर जबरदस्त स्मैश, पॉइंट मिलेगा भारत को 18-24 का स्कोर। अब अंतिम जो सेट होगा वो भारत को खेलना होगा, जो 15 पॉइंट्स का रहेगा, तो भारत को पूरी जी जान लगानी होगी उस सेट में जीतने के लिए। फिर से यहां पर भारत के पास मौका है, और ये पॉइंट मिलेगा फिर से भारत को 19-24। यहां पर टाइम आउट लिया है इस समय कोरिया ने, मात्र 1 पॉइंट लेना होगा कोरिया को अब, और भारत को लेने होंगे 6 पॉइंट अभी भी 25 तक पहुंचने के लिए। काफी अच्छा प्रदर्शन यहां पर इस सेट में, स्पेशली कोरियन टीम का तारीफ करनी होगी उनकी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जी हाँ, तो यहाँ पर ये सेट कोरिया ने जीत लिया है 25-19 से, और अब होना है अंतिम सेट। सो थोड़ी ही देर में अंतिम सेट शुरू होगा, तो हम आपको मिलते हैं थोड़ी ही देर में। जब भी अंतिम सेट शुरू होगा कृपया बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और बहुत ही ज़बरदस्त ये मुकाबला होता हुआ यहाँ पर
जिस तरह से ये मैच आज हमें देखने को मिला है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, बहुत ही रोमांचक मुकाबला। और तीसरा सेट शुरू होने वाला, अंतिम सेट, पांचवा सेट शुरू होने वाला है थोड़ी ही देर में। सो अंतिम सेट का एक्शन थोड़ी ही देर में, आप जुड़े रहें, हम मिलते हैं आपको 2 मिनट के बाद यहीं पर। तो यहां पर अंतिम सेट शुरू होता हुआ, सर्विस होती हुई भारत की ओर से। तो यहां पर भारत के फैंस बड़ी मात्रा में वेट कर रहे होंगे कि भारत को यहां पर जीतना चाहिए। यहां पर पॉइंट स्कोर किया है भारत ने, पहला पॉइंट मिला है भारत को, ओपनिंग की है तो आपको बता दें ये 15 पॉइंट का सेट होगा। सर्विस भारत की ओर से, यहां पर एक बार मौका है भारत के पास। जी हाँ, दूसरा पॉइंट मिलता हुआ भारत को, 2-0। दो शून्य का स्कोर, काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई भारतीय टीम यहां पर। जीरो, अरे सर 15 मिनट थोड़ा ऑनलाइन है बोला। और यहां पर कोरिया और भारत के बीच ये ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए मैच चलता हुआ, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर 3-1
से इस समय भारत पांचवा सेट चल रहा है यहाँ पर। चार दो का स्कोर। आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये पॉइंट जाता है यहां पर कोरिया को 3-4 का स्कोर। तो आपको बता दें ये है 15 सेकेंड, 15 सेट का मैच है ये, 15 का मैच होगा, अंतिम सेट है ये, पांचवा डिसाइडिंग फैक्टर। दो दो दोनों ही टीमें दो दो की बराबरी पर। सर्विस होती हुई इस समय कोरिया की ओर से, स्मैश भारत की ओर से, लेकिन उतना ही जबरदस्त रिस्पांस भारत का, सॉरी कोरिया का। एक बार फिर से जबरदस्त स्मैश भारत की ओर से, और पॉइंट मिलेगा भारत को 5-3। तो ये बेनिफिट लेना चाहिए, आर्यन बहुत ही जबरदस्त स्मैश कर रहे हैं आज। तो जितना हो सके ज्यादा आपको उनके लिए गेंद बनानी चाहिए जब ये आगे वाले कोर्ट में हो। सर्विस शॉट और अच्छी तरह से डिफेंड किया यहां पर, ये अवे टच आउट माना जाएगा। पॉइंट मिलता हुआ कोरिया को 4-5। क्या कहेंगे आप इस मुकाबले को, आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्या लगता है भारत जीतेगा या नहीं? सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस मैच, विल इंडिया इज गोइंग टू विन और नॉट? सो हेयर वन मोर पॉइंट टू कोरिया। सो नाउ आर वी आर सीइंग ए लिटिल बिट साइकोलॉजिकल एडवांटेज टू कोरिया। सो व्हाट इज योर ओपिनियन, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। स्मैश यहां पर देखना होगा कि यहां पर अवे और पॉइंट मिलता हुआ एक बार फिर कोरिया को 6-5 का स्कोर। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया है यहाँ पर कार्तिक को। सर्विस कोरिया की ओर से, यहाँ पर भारत को अगले 2-4 पॉइंट लेने होंगे अगर ये मुकाबला जीतना है। सर्विस स्मैश जबरदस्त पॉइंट भारत को 6-6 का स्कोर। शेखर ने जबरदस्त प्रहार किया, 6 ऑल। सर्विस भारत की ओर से, यहाँ पर जजमेंट नहीं हो रहा है, भारतीय टीम को ब्लॉक करने में नाकामयाब। यहाँ पर 7-6 का स्कोर और सर्विस होगी अब कोरिया की ओर से। स्मैश और ये टच आउट, पॉइंट मिलेगा भारत को 7 ऑल। क्या
क्या बात है, नेक टू नेक फाइट हम देखने को देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ। दोस्तों आपको क्या लगता है यहाँ से मैच किस तरफ जाएगा, कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। एक मौका है भारत के पास पॉइंट लेने का। जी हाँ, भारत ने पॉइंट लिया और 8-7। ज़बरदस्त ब्लॉक भारत की ओर से और यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम वापस आया भारतीय टीम में। 9-7 निश्चय ही इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा भारतीय टीम को। और यहाँ पर टाइम आउट लिया है जापानीज ने, सॉरी कोरियन प्लेयर ने। और ये एक पॉइंट फिर से मिलता हुआ भारत को। यहाँ पर भारत की लीड हो चुकी है 3 पॉइंट की, अब 10-7 और भारत को लेने होंगे और 5 पॉइंट ये मुकाबला जीतने के लिए। खुशी की लहर भारतीय खिलाड़ियों के बीच। सर्विस भारत की 10-7 का स्कोर। स्मैश और टच आउट, पॉइंट मिलेगा कोरिया को यहां। आठ दस, जबरदस्त मैच कोरिया की ओर से। 9-10 का स्कोर। यहां पर भारत को बहुत ही संभल कर खेलना होगा क्योंकि ये क्रूशियल मोमेंट है इस समय मैच का। बहुत ही शानदार स्मैश यहाँ देखने को मिला, शॉर्ट बॉल थी और जबरदस्त प्रहार किया और टच आउट, पॉइंट मिलेगा भारत को 11-9। यहाँ पर डबल लगाई है गेंद और पॉइंट मिलेगा भारत को 12-9 का स्कोर। भारत को अब 3 पॉइंट लेने हैं मात्र ये मुकाबला जीतने के लिए। टाइम आउट लिया है कोरिया ने।
दोनों ही टीमें वापस आती हुई कोर्ट में और सर्विस होनी है भारत की ओर से। तो यहाँ पर भारत को संभल कर खेलना होगा, मात्र 3 पॉइंट और चाहिए होंगे भारत को। जबरदस्त यहां पर, लेकिन फाउल दिया गया है भारत का, पॉइंट जाता हुआ कोरिया को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे नेटवर्क में थोड़ी सी क्या, काफी प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है इसमें। 13-10, 2 पॉइंट और लेने होंगे भारत को। जबरदस्त स्मैश भारत की ओर से और यहां पर पॉइंट जाता हुआ कोरिया को। ये समझ नहीं आया यहां पर, 11-13 का स्कोर, यहां से ऐसा लगा कि ये पॉइंट भारत के नाम है या ये आउट है, अवे है, अवे है, आउट है। जबरदस्त मैच इस समय, मैच पॉइंट पे भारत। मैच पॉइंट, अंतिम पॉइंट लेना होगा भारत को यहां पर। जबरदस्त मैच यहां पर देखने को मिला, 14-11 का स्कोर। और यहां पर इन टच इन दिया गया है और 12-14 भारत को बिना गंवाए यहां पर 1 पॉइंट लेना होगा। और यहां पर भारत का ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा, भारतीय टीम ये मुकाबला जीत चुकी है। बहुत ही शानदार आज का मुकाबला देखने को रहा, 5 सेटों तक ये मैच किया और भारतीय टीम ने ये मुकाबला अपने नाम किया। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम भारतीय टीम की, बहुत ही शानदार। तो अब आपसे मौका हो गया विदा लेने का, जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट की कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज यहां पर एक इतिहास बना है, भारतीय टीम ने 3rd प्लेस पे फिनिश किया यहां पर, बहुत ही शानदार। तो भारतीय टीम की खुशी आप देख सकते हैं यहाँ पर, सेलिब्रेट करती हुई भारतीय टीम, और कोच भी खुश, भारतीय टीम खुश। 3rd प्लेस ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है भारतीय टीम। और अब आपसे मिलेंगे 1 घंटे के बाद, वी विल बी बैक आफ्टर 1 आवर व्हेन यू आर गोइंग टू सी द लाइव एक्शन बिटवीन जापान एंड ईरान, दैट इज गोइंग टू द फाइनल ऑफ दिस सीरीज। तो अब हमें दीजिए इजाज़त और आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करें। दोनों ही टीमें, भारतीय टीम यहाँ पर फोटो सेशन भारतीय टीम का होता हुआ,
सो टेक केयर, मीट यू आफ्टर 1 आवर, सो टिल देन गुड बाय, सी यू नेक्स्ट।